एक बड़ा सुंदर श्लोक अष्टावक्र गीता में मिलता है, किरि क्व धनानि क्व मित्राणि क्व मे विषय दस्यवः क्व शास्त्रम क्व च विज्ञानम यदा मे गलिता स्पृहा। मेरी यदि मेरे मन की वासनाएं समाप्त हो गई, बोले मुझे अब किसी भी क्रिया की, किसी भी कर्म की, किसी भी विधि की क्या आवश्यकता है, मैं अपने स्वरूप में स्थित हो गया। इसी को कबीर ने कहा, जो मुनिया को लखे लखावे आवागमन निवारी मुनिया पिंजरे वाली ना। अरे हम भूल से ही, अज्ञान के कारण ही तो स्वयं को शरीर माने बैठे हैं। आप शरीर थोड़ी हो, मैं शरीर थोड़ी हूं। यदि आप शरीर होते तो आप मैं शरीर कहते ना, आप तो मेरा शरीर कहते हैं, मेरा, मेरे हाथ, मेरा पैर, मेरा मन, मेरी बुद्धि, अर्थात आप इससे अलग हैं ना। बस कबीर इसी की ओर संकेत कर रहे हैं, जिसने गुरु की कृपा से जान लिया, जिसका यह ज्ञान दूर हो गया कि मैं ये सब नहीं हूं, मैं कौन हूं, मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवान। बड़ी सुंदर बात इसी पद में कबीर जी ने कही ना, अलख डाल पे मुनिया बैठी पी ज्ञान की बूटी, अलख डाल पे मुनिया बैठी पी ज्ञान की बूटी, सतगुरु मिल गए जुगत बता दी, सतगुरु मिल गए जुगत बता दी, हरि नाम ले छूटी मुनिया पिंजरे वाली ना, हो मुनिया पिंजरे वाली ना, हो मुनिया पिंजरे वाली ना, मुनिया पिंजरे वाली। मैं करता हूं, यही अज्ञान है, मैं करता हूं, करता तो एक है, और जिसने इसको जान लिया, जिसने इस रहस्य को जान लिया, जिसे इसका बोध हो गया, वासुदेव सर्वमिति समाहात्मा सुदुर्लभ। भाई भगवान की कृपा से संत भक्त तो अनेक हैं, अनेक अनेक महात्मा भारत भूमि को पवित्र करते हैं, पर भगवान कह रहे वो महात्मा दुर्लभ है जो ये जान लेता है, वासुदेव सर्वमिति, भाई मैं ही हूं, मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं है, एक मैं ही हूं। इसलिए मैं कल आपसे कह रहा था, आशीर्वाद या श्राप दोनों के मूल में कर्तित्व है, अहंकार है। इसलिए जो बिरले महात्मा है वो ना आशीर्वाद देते हैं ना श्राप देते हैं, वो तो प्रभु से अरदास करते हैं, तुद आ गए अरदास हमारी। कैसे कैसे सुंदर शब्द है और कैसे निर्मल भाव है, ना वो आशीर्वाद दे रहे हैं ना श्राप। कहते हैं कि गुरु साहब ने अपनी आंखों से वो नरसंहार देखा जो बाबर ने किया था। श्री गुरु नानक देव जी की वाणी में उसका स्पष्ट विवरण मिलता है, वो भयंकर नरसंहार उन्होंने अपनी आंख से देखा जो बाबर ने किया। लेकिन ऐसा नहीं कि बाबर को श्राप देते हो, ना ना, वो ना किसी को आशीर्वाद दे रहे, ना किसी को श्राप, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, क्योंकि वो जानते हैं भाई करने वाला एक है, ये जो हो रहा है सब उसी की इच्छा से हो रहा है, ये जो है उसी की लीला है, उसी का लीला विलास है। अब की बार हम गीता के सत्र में भी यही चिंतन कर रहे थे ना, अनेक अनेक मत संप्रदायों में ऐसा कहा जाता है, एक ईश्वर है एक शैतान है, एक बनाता है एक मिटाता है, एक अच्छा करता है एक बुरा करता है। हमारे यहां ऐसा नहीं है, हमारे यहां तो वो बराबर दिल में है पर फासले भी साथ रखता है, और मेहरबा इम्तिहा के सिलसिले भी साथ रखता है, और बनाते ही चले जाना नहीं है शौक बस उसका, वो फना के वास्ते वो जल जले भी साथ रखता है, वो बनाता भी है वो मिटाता भी है, वो बिरला है जो इस रहस्य को जान जाए, कोई दूसरा नहीं है। इसलिए गुरु साहब ने कोई कोई बाबर को श्राप नहीं दिया, उसे कोसा नहीं, कबीर ने सिकंदर को नहीं कोसा, जो हो रहा है उसको देखते रहे दृष्टा बनकर, और मानवता के प्रति जो कर्तव्य था उसका पूरा पूरा निर्वहन किया, प्रभु से प्रार्थना की, तुद आ गए अरदास हमारी, जी जंत सब तेरा कहो नानक सब तेरी वड्या, कोई नाम जाने मेरा, कोई नाम जाने। और मैं तो कहता हूं भाई इस समर्पण के बिना तो जीवन बड़ा भारी हो जाएगा, मेरे जैसे स्थान पर जो व्यक्ति बैठा हो उसका तो भाई जीवन बड़ा भारी हो जाए, बोझिल हो जाए,
अगर वो समर्पण ना करे प्रभु के चरणों में, अगर इस रहस्य को ना जाने, तो व्यक्ति अहंकार के बोझ तले दबकर मर नहीं जाएगा। मैं ही करता हूं, हजारों हजार पत्र आते हैं मेरे पास, हजारों, जिसमें लिखा रहता है आपकी कथा सुनी, सत्संग सुना, जीवन बदल गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, और मैं हंसता हूं, ये देखकर हंसता हूं, देत लेत है आप ही पलटू पलटू सो। जैसे पलटू साहब कहते हैं ना, बोले कोड़ी घर में नहीं, आप मैं मांगू भिक्षा। बोले देखो बाहर हमारे नाम का जय जयकार हो रहा है और यहां हमारी दशा देखो, हमारे पास क्या है। ऐसे जब ये सब आता है मेरे पास ना, तो मुझे भी ऐसी हंसी आती है, फिर संतों की वाणी से समझ आ जाती है कि भाई देत लेत है आप ही पलटू पलटू सोर।